गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ, सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? कल की हम क्लास में हमने छोटी ई की मात्रा वाले व्यंजनों को बनाना, लिखना और उनका उच्चारण करना सीखा था। किस तरह से हमको छोटी ई की मात्रा को लगाना है और उसका उच्चारण कैसे करना है ना? छोटी ई की मात्रा को कैसे बोला जाता है बेटा? छोटी ई की मात्रा को धीरे से बोला जाता है, बिना दबाव के बोला जाता है, लंबे समय तक उसे नहीं बोला जाता है। जब भी हम छोटी की मात्रा बोलते हैं ई, ऐसे धीरे से बोल देते ना ई, वो हम बड़ी ई की मात्रा को बोलते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करना, उसको बोलना, है ना, वो सीख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने उसके व्यंजनों पर छोटी ई की मात्रा को लगाकर उनका उच्चारण करना सीखा था। आज हम छोटी ई की मात्रा के शब्दों को बनाना सीखेंगे और उनका उच्चारण करना सीखेंगे। इस प्रकार से हम हमारे हिंदी को पढ़ने में हमें सहायता मिलेगी, है ना? किस प्रकार से पढ़ेगी? जब हम अभ्यास करेंगे। आज हम दो वर्णों वाले शब्दों को छोटी ई की मात्रा लगा करके इन वर्णों को पढ़कर, लिखकर, दोनों तरीके से हम इसका अभ्यास करेंगे और हम इसका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं अलग अलग करके, प्लस लगा करके, है ना? और फिर इन वर्णों को जब हम प्लस हटा करके लिखेंगे तो वो शब्द बन जाएगा। वर्णों की सहायता से क्या बनता है, हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। अभी यहाँ पर ये वर्ण लिखे हैं अलग अलग, अब इन वर्णों की सहायता से हम शब्द बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। अभी हम कौन से शब्द बना रहे हैं बेटा? छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, इसी का उच्चारण करना सीखना है और इसी को लिखना सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? द। द में छोटी ई की मात्रा दी, तो हम लिखेंगे द में छोटी ई की मात्रा दी। धन। न, तो धन हटा देंगे और ना लिख देंगे तो ये हमारा शब्द बन गया दिन। क्या बन गया? दिन। कैसे बना? ये अलग अलग लिखे थे तो वर्ण थे, जब एक हुआ तो क्या बन गया? शब्द बन गया। इसी प्रकार से हम आगे के शब्द बनाएंगे। माँ में छोटे ई की मात्रा मी, तो हमने लिखा माँ मछली में छोटे ई की मात्रा मी और ल, ल में ल, है ना? अगला क्या लिखा रहा? छा में छोटे ई की मात्रा छी, धन, ल। अब हमको प्लस हटा करके लिखना, तो छा छतरी का हम लिखेंगे छा में छोटे ई की मात्रा छी, ल, छी, ल। का में छोटे ई की मात्रा की, तो का में छोटे ई की मात्रा की। ला में आ की मात्रा ला, ला में आ की मात्रा ला, किला। क्या हो गया? किला। फिर फा में छोटे ई की मात्रा फी, धन, र, तो हम लिखेंगे फा में छोटे ई की मात्रा फी, र, फिर। क्या हो गया? फिर। फिर क्या लिखा है? बा में छोटे ई की मात्रा बी, धन, ल। बा में छोटे की मात्रा बी, धन, ल, बिल। तो हम लगेंगे हटे, ये प्लस हटा करके लिखेंगे बा में छोटे ई की मात्रा बी, ल, बेल। क्या हो गया? बिल, है ना? इस प्रकार से ये क्या बन गए? हमारे शब्द बन गए। क्या बन गए बेटा? ये हमारे शब्द बन गए। शब्द कैसे बन गए? जब हमने इन वर्णों को मिला करके लिखा, प्लस हटा करके लिख दिया, तो ये क्या बन गए? हमारे शब्द बन गए। अब आया समझ में शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये परिभाषा है, शब्द की परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि शब्द कैसे बनते हैं, तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना? अभी हमने अलग अलग लिखे थे तो ये क्या थे? वर्ण थे। जब हमने प्लस हटा करके लिखा, इनको एक साथ एक छत के नीचे लिख दिया, तो ये क्या बन गए? शब्द बन गए। अलग अलग रह रहे थे और जब एक छत के नीचे आए तो एक परिवार हो गया ये, है ना? तो इस प्रकार से हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं।
वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं या वर्णों को मिलाकर के हम शब्द बनाते हैं, शब्द की परिभाषा है। अब अगले हैं हमारे, मैंने इधर लिखे हैं, इनको देखेंगे। देख, ख, ख में छोटे ई की मात्रा खी, धन ल, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ख में छोटे ई की मात्रा खी ल, खी ल शब्द बन गया। फिर दूसरा क्या है, गा में छोटे ई की मात्रा गी, धन न। तो हमको लिखना है गा में छोटे ई की मात्रा गी, प्लस हटाया न, गी न, शब्द क्या बना, गी न, है ना। पहले हमारा बना खिल, फिर बना किन। अगला है ता में छोटे ई की मात्रा ती, तो हम लिखेंगे ता में छोटे ई की मात्रा ती, धन ल, धन ल। तो धन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ल, क्या हो गया ये, तिल, क्या हुआ बेटा ये, तिल, ठीक है ना। फिर अगला क्या बनेगा, पा में छोटे ई की मात्रा पी, धन न, पिन। तो क्या हो जाएगा, पा में छोटे ई की मात्रा पी, प्लस हटा न, पिन न, क्या हो गया, पिन। फिर ला में छोटे ई की मात्रा ली, धन ख। अब हम इसको मिलाकर लिख देंगे, तो ला में छोटे ई की मात्रा ली ख, तो शब्द क्या बन गया हमारा, लिख, क्या बन गया, लिख। फिर सा में छोटे ई की मात्रा सी, धन र, है ना। तो अब इसको मिलाकर लिखेंगे हम, अलग अलग लिखा रहा तो हम क्या पढ़ रहे, सा में छोटे ई की मात्रा सी, धन र। तो हम इसको एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सा में छोटे ई की मात्रा सी र, सिर, क्या हो गया, क्या शब्द बनाया हमारा, शेर। इस प्रकार से हमने शब्द बनाए। अब एक बार इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अभी हमने क्या करा, इन वर्णों को मिलाकर के उच्चारण किया, फिर शब्द बनाया। अब सिर्फ हम शब्द का उच्चारण करेंगे। ता में छोटे ई की मात्रा दी, न, दीन। मा में छोटे ई की मात्रा मी, ल, मील। छा में छोटे ई की मात्रा छी, ल, छील। का में छोटे ई की मात्रा की, धन ला में आ की मात्रा ला, किला। पा में छोटे ई की मात्रा फी, र, फेर। बा में छोटे ई की मात्रा बी, ल, बिल। खा में छोटे ई की मात्रा खील, खील। दा में छोटे ई की मात्रा गी, न, गिन। ता में छोटे ई की मात्रा तील, तील। पा में छोटे ई की मात्रा पी, न, पीन। ला में छोटे ई की मात्रा ली, ख, लिख। सा में छोटे ई की मात्रा सिर, सिर। इस प्रकार से हमने छोटे ई की मात्रा का अभ्यास करना है। आज आप लोग घर पर हमारे छोटे ई की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना और इसको रफ कॉपी में लिखना और इसको पढ़ना, और जहाँ जहाँ भी जो भी शब्द आपको छोटे ई की मात्रा वाले दिखते हैं, जिसके भी नाम में छोटे ई की मात्रा आती है, उन मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना, उनको पढ़ने की कोशिश करना। जिस जिस भी शब्द में आपको छोटे ई की मात्रा नज़र आती है, उन सारे शब्दों को पढ़ना, उनका उच्चारण करना, है ना। इस तरीके से आज हम छोटी ई की मात्रा वाली स्टेज को पार करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।